लतीफ जी, खाना चख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। अरे वो लतीफन चख कर देखना, चट मत करचाना। ओ हेलो, हाय पीटर। ओके। अकरम के घर वाले बस आते ही होंगे। नसीर साहब अभी तक तैयार नहीं हुए, और कायनात वो भी तैयार नहीं हुई। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी खान बेगम, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? सायरा बानो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। आनंद कुमार के बंगले में ही नहीं, आनंद कुमार के दिल में भी वेलकम। वैसे तो इतने कम लोग हमारे किसी फंक्शन में नहीं आए, चार तो मामू भोपाल में ही हैं अक्रम के, और दो खाला दुबई में। तो आपने उन्हें बुलाया क्यों नहीं? क्या कहे खान बेगम, कल जो हुआ उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। बस हम 11 लोग आए हैं। वैसे आपने उस नौकरानी को तो निकाल दिया ना? जी, इतनी बदतमीजी के बाद तो वो इस घर में रह भी नहीं सकती थी। आप लोग छोड़िए ना, आइए। आओ बेटा। ये होते हैं झूठे लोग। ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में अपने 12 साल के बच्चे को 6 का बता के हाफ टिकट लेते हैं। क्यों? अरे तभी तो 11 मेहमान बता के साथ में 12 को लेके आई है। लायर लायर, हार्ट ऑन फायर। कम, दो एक्स्ट्रा शरबत बनाने पड़ेंगे। तो मुझे करना पड़ेगा। अरे, अरे, आप लोग यही खड़ी है, कुछ लिया नहीं आपने? आइए आइए, मैं आपको शरबत पिलाती हूँ। आइए आइए। अल्लाह कसम, कायनात को इस फ्रॉड से सगाई नहीं करने दूंगी मैं। आज किसी भी तरह सगाई से पहले अक्रम का ही फोन लेके इसे मिस्टर दरिंदे और उसकी पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज कर दूंगी। कोई तो मैसेज, कॉल या कोई फोटोग्राफ होगी जो इसका उस जोहरा से कनेक्शन कंफर्म करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह! कायनात के पास बैठो। जी। बेटियां, बेटियां तो पराया धन होती हैं, और पराए धन को एक दिन पराए घर जाता है।
बाबुल का आंगन के क्लाइमैक्स में मैंने ये डायलॉग बोला था और 5 मिनट तक थिएटर में तालियों की गड़गड़ाहट। फिल्मों में एक्टिंग बहुत की है मैंने, पर ये जो इमोशन है ना ये बहुत अलग है। खान साहब जरा उस फिल्म का भी एक डायलॉग बोल दीजिए। कौन सी? जुनून। रेशमा का जुनून। लीजिए ना आप लोग, कुछ लीजिए। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लीजिए लीजिए लीजिए, इतना सारा खाना ले आए आप लोग। ऐसे लग रहा है जैसे खान बंगलो नहीं खाना बंगलो है। ऐसा लगा जैसे माहिरा थी। डाला इतनी भूख लगी थी दिमाग भी चलना बंद हो गया था। शुक्रिया। Are you okay? ये कौन थी और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या करूं? अब क्या करेंगे मिस्टर दरिंदे? इन चारों में से वो कौन है? बुर्का उठा के देखूं क्या? सोचिएगा भी मत। बुर्का उठा के देखेंगे तो इतनी पिटाई होगी कि सारी दरिंदगी निकल जाएगी। नहीं, ना चेक कर सकता हूं ना कुछ कह सकता हूं। अगर लड़के वालों को पता चल गया तो नाराज होकर चले जाएंगे। हम सब लड़कियां बुरके में हैं, इसीलिए मिस्टर दरिंदा कंफ्यूज हो गए। सगाई की रस्म शुरू की जाए। मैं बस अंगूठी लेकर आती हूं। क्या लग रहे हो बेटा चक्रम? जी चक्रम नहीं अक्रम। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। I'm sorry, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अब याद आया? सॉरी वो क्या है ना कि बहुत दिनों बाद मिला तो शायद इसीलिए भूल गया होगा। हाँ जब तक काम नहीं पकड़ा तब तक याद नहीं आता है। एक फोन नहीं किया पप्पू को, भूल गया तुम? फोन दो अपना। क्यों? बॉयफ्रेंड को फोन करना है। अबे कंपन के बच्चों ने पैसे मांगता था, मैं पूछती थी क्यों मांग रहा है? नहीं ना फोन दे। अरे आप कहाँ जा रही हैं? फोन लेके भाग थोड़ी जाऊंगी तेरा बेटा चक्रम, चुपचाप बैठा रहे। चक्रम नहीं अक्रम। हाँ एक ही बात है, चुप। अल्लाह पहले तो सेल्फ मेड मैन होते थे, अब ये सेल्फी मोड मैन होते हैं। अक्रम का बच्चा मुझसे भी ज्यादा सेल्फी लेता है। फूफी मेरा फोन कहाँ है? मुझे क्या पता,
अरे वाह, पहले तो चक्रम चक्रम कहकर मेरा फोन ले गई और अब कहती है मुझे क्या पता। लो अपने ही भतीजे का मैं गलत नाम लूंगी क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं लिया तुम्हारा फोन। अगर आपने मेरा फोन नहीं लिया फिर किसने लिया? लेकिन कोई तो फोटो होगी इसकी जोरा के साथ, छोड़ूंगी तो नहीं से। वीडियोस में देखती हूँ। अकरम, तुम्हारा फोन यहीं कहीं होगा, कहाँ गया होगा? घर पे ही होगा ना? आओ हम सगाई की रस्म पूरी करते हैं। क्या फोन के चक्कर में हमेशा रहता है, चल सगाई का वक्त हो रहा है, चल आज। ये लो बेटा अकरम, कायनात को रिंग पहना दो। मेरा फोन? ये तो मेरा फोन है। ये कौन है? नौकरानी अभी तक गई नहीं, आप लोगों ने इसे निकाला नहीं? देखिए, मैं जानती कि आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं सच कह रही हूं, ये अकरम अच्छा लड़का नहीं है। बस you
और मार लीजिए, अगर मारना ही चाहती हैं तो। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी ईगो आपकी बेटी की जिंदगी से बढ़के नहीं है। बिल्कुल चुप। दूध टके की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली में वापस आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूं। शरीफों की महफिल में जाके तमाशा करती और पैसे लेती, यही काम है ना तुम्हारा भी? इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूं, वो लोग इसको आके लेके जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है नासिर साहब। इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूं, वो लोग इसको आके लेके जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है नासिर साहब। देखिए खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए। कायनात देखो, तुम तो मुझ पे यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। यकीन नहीं हो रहा, वो फोन चला के देखो प्लीज, एक बार फोन चला। I love you, Zora. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अकरम बोलो, तुम बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सच पूछो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ जोरा। I love you too। अच्छा किया जोरा कि तुम आ गई।